नमस्कार। आज जागतिक ओझोन दिनाच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो, सगळ्यांचं अभिनंदन करतो। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ओझोन डे आय वुड लाईक टू वॉर्म वेलकम द मिनिस्टर ऑफ एन्व्हायरमेंट श्री भूपेंद्र यादवजी, also Minister of State for Environment Sri Ashwini Chaubeji and our Principal Secretary Srimati Manisha Maheskarji and UNDP Representative Srimati Shoko Nado, Mr. Rajesh Rai, Aditya Narayan Singh Ji. I congratulate them for re-invigorating the spirit for environment conservation. मैं आपका भूपेंद्र यादव जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे महाराष्ट्र की धरती पे। और हर साल की तरह इस साल भी 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जा रहा है। जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी अभी ओजोन हुआ है, बराबर। अर्थ विदाउट ओजोन इज लाइक हाउस विदाउट रूफ। अभी ये हमारे जीवन का एक बहुत ही हिस्सा बन गया है और ये हमारे लिए जीवन के लिए, और ओजोन के बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी परिस्थिति अभी यहाँ पर हुई है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही आवश्यक है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को ओजोन लेयर के बारे में जागरूक करना है। मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जल वायु परिवर्तन मानव सभ्यता पर एक बड़ा संकट है जिसे लेकर आज पूरा विश्व चिंतित है। पर्यावरण मंत्रालय इसके प्रति सजगता बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इस व्यापक विषय में देश की सभी सामाजिक संस्थाओं, जन प्रतिनिधियों के सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता भी है। ओजोन की कमी से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल डिजास्टर और इकोसिस्टम में क्षति पहुंचती है। इसे हम देख रहे हैं, कभी बारिश होती है, कभी बारिश गायब हो जाती है। अभी आज भी जोर से बारिश थी। आज कौन सा रेड है, अलर्ट क्या ऑरेंज है? तो ये इसी का कारण है और इसे हमें एक सबको खुद एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। मराठी में एक कहावत है, अप्पा दीपक हो, इसका मतलब अभी खुद को ही खुद का उजाला खुद को बनना पड़ेगा। मतलब हमें इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट कम करने की आवश्यकता है। हमें खुद ही हमसे शुरुआत करने की आवश्यकता है। जहां जहां आपने जैसे मंत्री जी ने कहा है, जहां पर एनर्जी की बचत हो, जैसे आपने कहा हाल में से चले जाए तो लाइट अगर शुरू रहे तो हमें इसका नुकसान है, इस धरती का नुकसान है, सभी इसके ऊपर डिपेंड है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान रखकर, जैसे शॉर्ट फिल्म में बताया कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं और उनका सब लोग सुनते हैं, जैसे यहाँ सब बच्चे बैठे हैं यहाँ। और मुझे आते समय देखने को खुशी मिली, इसमें स्कूल के करीबन 5000 बच्चों ने वर्ल्ड ओजोन डे में पार्टिसिपेट किया है। ये जन आंदोलन हमें पर्यावरण संवर्धन के लिए बहुत काम आएगा। जैसे स्वच्छ प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे एक जन आंदोलन की आवश्यकता है इसे भी, और ये भी हमें जरूरी है। ओजोन अभी थोड़ा मराठी में बोलता हूँ तो हमारे चौबे जी ने कहा मराठी में और मैं बोलूंगा हिंदी में। तो ओजोन थर खरं म्हणजे आजचा हा कार्यक्रम अतिशय आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे, तरी काळाची गरज आहे। आज ओझोन थर जो आहे सूर्याच्या हानिकारक किरणांपासून आपले रक्षण करतो
आणि वातावरणामध्ये संतुलन देखील एक बॅलन्स ठेवतो. पण प्रदूषणामुळे ओझोनचा थर जो दिवसेंदिवस कमी होतोय आणि ही सगळ्या दृष्टीने अतिशय जगभरामध्ये एक चिंतेचा विषय झालेला आहे. जीवनावर याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. याच्यामुळे खूप स्किन डिस असेल, कॅन्सर असेल, असे अनेक घातक जे आजार आहेत या सगळ्यामुळे होऊ शकतात. आणि पृथ्वीवरील आपल्या जीवनासाठी ओझोन एक महत्वपूर्ण आहे आणि आपण आपल्या भावी पिढ्यांसाठी ओझोन थराचं रक्षण करणं चालू ठेवलं पाहिजे. पर्यावरणपूरक वस्तू खरेदी करणं, आपण आता ते सिंगल प्लास्टिक बंद केले ना, बंद केलेलं आहे पूर्ण. याची आवश्यकता देखील आहे. पर्यावरणपूरक खाली मी स्टॉलवर पाहिलं की आता आपण जे रेफ्रिजरेटर आहेत, एसी सारख्या उपकरणांचा वापर आहे, त्याच्यामध्ये देखील अनेक आधुनिक तंत्रज्ञान नवीन त्याच्यामध्ये आपल्याला बदल घडवण्याची आवश्यकता आहे. तशा प्रकारचे प्रयत्न आपले सुरू आहेत. कारण यामध्ये जसे आपण गाड्या प्रत्येक देतो, आपण हमारे यहां पर मंत्रीजी हम लोग मेट्रो कर रहे हैं, तो काफी मेरे ख्याल से लाखों जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो रोड से कम हो जाएंगे. तो इससे भी काफी पर्यावरण को फायदा होगा. सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाढ़ने की आवश्यकता है आणि जनजागृती ची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता है. ओझोन दिवस हा पर्यावरणासाठी एक अतिशय महत्वाचा दिवस आहे आणि त्यामुळेच ओझोनच्या थराचं जतन करण्यासाठी जागतिक ओझोन दिन दरवर्षी 16 सप्टेंबरला साजरा होतो. व्हिएन्ना परिषदेमध्ये ठरल्याप्रमाणे जे 1987 मध्ये ओझोन लेअर कमी करणाऱ्या पदार्थावर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तयार झाला, पण इतके करूनही ओझोन आवरणाला त्याच्यामध्ये छिद्र पडल्याचं समोर आलं आणि म्हणून या ठिकाणी 2016 रवांडाच्या किगाली येथे हायड्रो फ्लोरो कार्बनची पातळी खाली आणण्याचा करार झाला. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, मगाशी आपल्या आधी पण सांगितलेलं आहे, पण यामध्ये हायड्रो फ्लोरो कार्बनची पातळी खाली आणण्याचा जो काही प्रयत्न आहे, करार झालाय, त्याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून या खुशी की बात आहे की भारतने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयजी के नेतृत्व में यहां पर जो शुरू किया है अभियान, इसलिए मैं भारत सरकार को भी फिर एक बार धन्यवाद देता हूं. भारत ने फ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है. ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है. मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार के साथ व्यापक हम लोग परामर्श से इस रणनीति को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए. हम लोग भी पर्यावरण के लिए बहुत ही सजग है. हमारा राज्य जो है महाराष्ट्र, और हमारा पूरा सरकार का आपके इस अभियान को समर्थन रहेगा. हमारी सरकार पूरी तरह आपके अभियान को सहयोग करेगी. ये भी मैं मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर ऐसे से आपको कहता हूं. जलवायु के अनुकूल रेफ्रिजरेटर का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण, इन कदमों से ही हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं. और बाकी तो विस्तार से आपने भी बता दिया है. यहाँ पर आज देख रहे हैं हम लोग महाराष्ट्र में हमने जो तटीय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मैंग्रोव के संरक्षण का भी निर्णय लिया है, और मैंग्रोव संरक्षण और संरक्षण उसके लिए बहुत ही हमारी सरकार काम कर रही है. हमारी मनीषा मेस्कर मैडम, उनकी टीम है, पूरी अच्छी तरह यहाँ पर हमारा काम शुरू है. इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में सरकारी जमीन पर जो मैंग्रोव है उस क्षेत्र को आरक्षित वन के अंतर्गत लाने की योजना भी बनाई जा रही है हमारी, ताकि त्याची आवश्यकता है. अपन त्याप्रमाणे अपन पुढे जातोय. हर एक के भावना मन में आनी चाहिए, मन से जुड़नी चाहिए, ताकि हम अपनी सृष्टि को मातृत्व की भावना से कंजर्व कर सकते हैं, ताकि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, इस सृष्टि को अच्छाई से देख सकती है. इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए इसे जो आज का दिन है उसे सफल करना है. तो हमें सबको एक होकर काम करने की आवश्यकता है. हम लोग देखते हैं एक गांव में जाएंगे तो 80-90-100 साल के लोग भी रहते हैं,
लेकिन अभी अपनी आयु सब लोगों की हम देखते हैं जो परिवर्तन आया है ये इसी का परिणाम है और इसलिए ये सस्टेनेबल विलेज की ओर हम देखते हैं तो उनकी जो कम जरूरतें होती है एनर्जी कंजर्वेशन है ये सब जो बातें हैं इसे भी हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है और इसलिए मैं भारत सरकार को हमारे दोनों मंत्री जी हैं उनका भी हमारे सरकार की ओर से तहे दिल से आपका स्वागत मैं यहाँ पर करता हूँ आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और ग्लोबल और हमारे जो छात्र हैं उनका भी बहुत बड़ा इस अभियान में जो उनका इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत ज्यादा हम जैसे कर सकते हैं वो भी कोशिश हमारी रहनी चाहिए इतने में कहूंगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दूर करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम पर्यावरण को बचाने में जरूर सफल होंगे ऐसा मुझे भी विश्वास है ताकि आप सब जानते हो हम लोग ने भी महाराष्ट्र में बहुत बड़ा कार्यक्रम करके परिवर्तन लाया है और सभी लोग इसके साक्षीदार है महाराष्ट्र की धरती भी है हिंदुस्तान की धरती भी है आज दुनिया के मेरे ख्याल से 33 देशों ने भी इसकी दखल ली है बराबर है ना और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमें कहा है मैं जब दिल्ली गया था तब कहा था इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरत लगे जो भी सहयोग की आवश्यकता हो ये केंद्र सरकार पूरी तरह आपको देगी और पूरी तरह इस राज्य का विकास सर्वांगीण विकास हम यही चाहते हैं इस राज्य का सर्वांगीण विकास मंत्री महोदय ये हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है इस राज्य के हित का ही काम हम करेंगे जो लोग चाहते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है और जो लोगों को जरूरत है उसे पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी मैं और देवेंद्र जी हमारा पूरा मंत्रिमंडल हम लोग आपको बताने में मुझे हर्ष होगा कि हमारे 2 ही महीने हुए लेकिन हमने 2 महीने में 700 निर्णय लिए 700 और इसमें समाज के हर वर्ग को हमने शामिल किया है किसानों की बात हो कामगारों की बात हो सभी वर्ग की बात हो स्कूल एजुकेशन हेल्थ एग्रीकल्चर एनवायरमेंट ये हम लोग फोकस कर रहे हैं और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हमारी सरकार को राज्य सरकार केंद्र सरकार माय बाप सरकार होती है और इसलिए हमें आपकी हमेशा जरूरत पड़ेगी आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हम आशा करते हैं हमें विश्वास है कि आप लोगों का सबका सहयोग हमारी सरकार को हमारे 12.5 करोड़ जनता के हित के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है यही कहूंगा और इस बात से मैं पुनः एक बार अपने सगळ्यांना आज जागतिक ओझोन डेचा खूप खूप मनापासून शुभेच्छा देतो धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट